हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पार्की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है बिलिंग शीट एक्सेल के अंदर, और कैसे आपको यूज़ करना है डिस्काउंट का, टोटल का फॉर्मूला, आफ्टर डिस्काउंट का फॉर्मूला, जीएसटी कैसे निकालनी है, टोटल पे कितना कस्टमर ने करा वो कैसे निकालना है। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी काम की होगी। सो गाइस, मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, स्किप मत करना अगर आप लोग जानना चाहते हो ये सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है बिलिंग शीट एक्सेल के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना उद्गवाएं। तो देखो, बेसिकली बिलिंग शीट बनाई जाती है कस्टमर के जो रिकॉर्ड रखने के लिए कि हाँ, इस पर्सन ने हमसे ये चीज़ परचेज़ किया था। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बिलिंग नंबर दिया जाता है, ठीक है, कस्टमर का नाम होता है, फिर जो जो आइटम होते हैं, जो भी आपके पास गुड्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवी, सीडी या फ्रिज, मतलब जो भी आइटम जिस भी तरीके की। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिलिंग शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हमारे पास जो गुड्स हैं वो है कंप्यूटर, टीवी, सीडी, फ्रिज, ठीक है। तो बेसिकली हमारे चार चीज़ें, तो किस तरीके से कैसे बिकी उन चीज़ों का रिकॉर्ड यहाँ पर हमें रखना है, ठीक है, किसने खरीदा। तो सबसे पहले गाइस, हमें यहाँ पर ऊपर सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना है बिलिंग शीट, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे ऊपर लिखना है बिलिंग शीट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चार पाँच कॉलम ले सकते हैं, बट आपको देखो एक और ऑप्शन है, जैसे बिलिंग शीट लिखने से अच्छा ना पहले आप लोग यहाँ पर जो है ना बाकी चीज़ें बना लो, फिर आपको जितनी जगह ज़रूरत पड़ेगी उतना इस्तेमाल कर लो, फिर जो बची हुई जगह है ऊपर उसे मर्ज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपना ये काम करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर नाम और गुड्स के नेम वगैरह ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बिल नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद अगले बॉक्स में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे नेम। नेम में क्या होगा, जो कस्टमर होंगे उनका जो नाम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बारी आएगी गुड्स की। तो जितने भी गुड्स होंगे आपके, मतलब आप जिस भी फर्म के लिए, जिस भी शॉप के लिए बना रहे हो, उसका जो जो सामान होंगे आप लोग ले लेना, ठीक है। सो गाइस, हमारे पास सबसे पहला जो गुड है वो है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर ले लेते हैं। एंड उसके बाद फिर हमें मिलता है यहाँ पर टीवी, ठीक है। एंड टीवी के बाद फिर हमें मिल जाते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अगला हमें मिल जाते हैं यहाँ पर टोटल का ऑप्शन, ठीक है। फिर टोटल के बाद फिर हमें डिस्काउंट का बनाना है गाइस। डिस्काउंट के बाद अगला कॉलम बनेगा आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, कि डिस्काउंट के बाद कितना, मतलब पैसा पे करना है कस्टमर को डिस्काउंट, ठीक है, सॉरी आफ्टर डिस्काउंट। एंड उसके बाद अगला जो हो जाएगा हमारा जीएसटी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जीएसटी ले लेंगे। फिर उसके बाद कितना कस्टमर ने एक्चुअली पे किया, ठीक है, वो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगला काम सभी इन लाइनों पे करना है डबल टैप, ठीक है, डबल टैप करना है। तो इससे क्या होगा, ये सभी एडजस्ट हो जाएंगे अपने, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग, जितनी ज़रूरत होगी, जिसको जो छोटा होगा छोटा हो जाएगा, जिसे बड़ा बनना होगा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो सबको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको जो अगला काम करना है वो ये है, इनका प्राइस डालना है, ठीक है। तो जो बिल नंबर है, ठीक है, जैसे जैसे हमें बिल नंबर यहाँ पर दिया गया, तो जो भी आपको बिल नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया एक बिल नंबर 102 है, ठीक है। कस्टमर का नाम है अंशु, ठीक है, या आशु, कस्टमर का नाम है आशु, ठीक है। उस बंदे ने कंप्यूटर परचेस करा 15,000 रुपये का, 15,000 का कंप्यूटर। फिर टीवी परचेस किया 10,000 रुपये का, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर परचेस किया गया वो भी 12,000 रुपये का, ठीक है। फिर इसके बाद फिर टोटल कितना वो निकालना है, उसके लिए अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी अलग मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्या है, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला टोटल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी टोटल का फार्मूला या डिस्काउंट का या आफ्टर डिस्काउंट का फार्मूला नहीं लगाएंगे, या जीएसटी निकालने का या कितना पे किया ये सब अभी नहीं करेंगे। पहले हम लोग जितने भी कस्टमर हैं उनका जो बिल नंबर है वो डालेंगे, फिर उनका क्या नाम है वो डालेंगे, फिर कंप्यूटर या मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने परचेज की है उसकी यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगला जो बिल नंबर है वो है बिल नंबर 105, ठीक है, और कस्टमर का नाम है राम। तो राम ने परचेज करा कंप्यूटर 16,500 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद फिर टीवी उस बंदे ने परचेज की 8,000 रुपये की। एंड उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर परचेज किया गया, ठीक है, वो है हमारा 38,000 रुपये का, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर टोटल वगैरह हम लोग बाद में आएंगे। फिर अगला जो बिल नंबर है वो है बिल नंबर 126, और कस्टमर का नाम है यहाँ पर हमारा श्याम, ठीक है, श्याम। और श्याम ने कंप्यूटर परचेज करा हमारा 14,000 रुपये का। टीवी परचेज किया गया श्याम के ज़रिए 9,500 का, ठीक है। रेफ्रिजरेटर परचेज किया श्याम ने 13,000 रुपये का, ठीक है। और फिर उसका फिर हम दोबारा चलते हैं बिल नंबर पे। तो बिल नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना है बिल नंबर 134,
कस्टमर का नाम है मोहन, ठीक है। मोहन ने कंप्यूटर परचेज़ करा 12,000 का, और फिर टीवी परचेज़ किया 11,000 रुपये का, फिर रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया मान लो 15,000 रुपये का, ठीक है। फिर दोबारा बिल नंबर चलते हैं, जो भी बिल नंबर हमें दिया गया वो हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे, एंड देन फिर दोबारा नाम डालेंगे कस्टमर का। तो कस्टमर का नाम है विकास, ठीक है। कंप्यूटर विकास ने परचेज़ करा 12,500 का, ठीक है। उसी के साथ टीवी परचेज़ किया 15,000 रुपये का, रेफ्रिजरेटर परचेज़ करा 22,000 रुपये का, ठीक है। हम लोग एक आध और कस्टमर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगला कस्टमर हमारा 194 बिल नंबर, उसका नाम है पंकज। सो गाइस, पंकज ने कंप्यूटर परचेज़ करा 17,000 रुपये का, और टीवी परचेज़ करा 5,800 रुपये का, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर परचेज़ करा 24,000 रुपये का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर गाइस कुछ कस्टमर की लिस्ट हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जितने चाहो उतने, मतलब जितने आपको जितना बड़ा बिलिंग शीट दिया गया, ठीक है, उतना आप लोग प्रिपेयर कर लो। मैंने एग्जांपल के तौर पे इतने अभी ले लिए हैं, ठीक है। अब आपको देखो ऊपर क्या करना है, जैसे आपको ऊपर लिखना है बिलिंग शीट है ये, तो आपको क्या करना है, पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेना ऊपर वाले कॉलम को, मतलब ऊपर वाली पूरी सेल को या रॉ को, ठीक है। और फिर आपको लेफ्ट क्लिक करना है, फिर इंसर्ट पर जाना है एंड ओके कर देना है, तो ऊपर आपका ऑटोमेटिक एक इंसर्ट हो जाएगा। फिर आपको जो सेलेक्ट है उसी पोर्शन में आपको मर्जन सेंटर कर देना है, और फिर यहाँ पर आपको लिख देना है बिलिंग, ठीक है, बिलिंग शीट, कि आपको यहाँ पर लिख देना है बिलिंग शीट। एंड इस चीज़ को आप लोग छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। जितना बड़ा भी आपको करना है, जितना छोटा करना है, उतना छोटा बड़ा आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। और अलग तरीके का कुछ फॉन्ट देना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, स्टाइल अलग देनी है तो वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही कर दिया, बट आप लोगों को जैसा देना होगा, छोटा बड़ा जैसा करना होगा, आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर निकालना है टोटल, तो टोटल के लिए क्या करना है, इक्वल्स टू सम ये वाला ब्रैकेट, एंड देन आपको इन तीनों को कर देना सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो अब आपको यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, इस तरीके से आपको इसे इस पर क्लिक करना है, एंड फिर इसे आपको ड्रैग करके नीचे लेके जाना है। ऑटोमेटिक सारे देखो सबका यहाँ पर जो है, सब में ये जो सेम फॉर्मूला है ना, सब में अप्लाई हो जाएगा और सबका जो है टोटल निकल जाएगा। अब हमें गाइस निकालना है यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट हमें कितना परसेंट निकालना है वो आपको दिया गया होगा कि इस कस्टमर को इतने परसेंट डिस्काउंट दिया। तो नॉर्मली आपको मान लो 10% डिस्काउंट दिया, तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। और टोटल जो होगा उस पर क्लिक करना है, ठीक है। टोटल के बाद फिर आपको यहाँ पर इनटू वाला ही साइन लगाना है, फिर जैसे 10% आपको डिस्काउंट मिला या 12%, ठीक है, मान लो 12% निकला, 12% आपको डाल के एंटर कर देना है। मान लो हमने सबको 12% दिया, तो सबको आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। और मान लो एक पर्सन है जिसे हमने 10% नहीं दिया, मान लो इस बंदे को हमने 10% डिस्काउंट नहीं दिया, इसे हमने 15% डिस्काउंट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल टू का साइन डाल के, ठीक है, जो भी सेल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन इनटू वाला साइन, ठीक है। एंड देन मान लो हमने इसे 15% दिया, तो 15% का साइन। अगर देखो सबको अलग अलग दिया गया है, तो आपको सब में अलग अलग ये फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, या फिर सब में आप लोग यहाँ पर अलग अलग लेके चलो। देखो 12% जो है ना, आपको जिसको 12% मिला उन सबको एक साथ ले लो, ठीक है, और जिसको अलग मिला उसे आप लोग यहाँ पर अलग ले सकते हो, ठीक है। गाइस टोटल हमने निकाल दिया, डिस्काउंट निकाल दिया, अब हमें निकालना है आफ्टर डिस्काउंट निकालना है हमें, ठीक है। तो आफ्टर डिस्काउंट के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस माइनस कर देना है, टोटल में इसे माइनस कर देना है आपको यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है। F3 माइनस इसे सेलेक्ट करना है, एंटर कर देना है, तो आपको निकल जाएगा कि डिस्काउंट, देखो टोटल आपका इतना हो गया, फिर डिस्काउंट हमने दिया 4,440 रुपये का, तो 32,560 रुपये डिस्काउंट के बाद बचा। अब हमें सिंपल इसे ही आपको ड्रैग करके यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे ड्रैग करके नीचे करना है, तो ऑटोमेटिक आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर बात है GST की, अब आपको निकालना है GST, डिस्काउंट तो दे दिया पर्सन को हमने, अब हमें यहाँ पर निकालने उसी चीज़ की GST। GST के लिए सिंपल फॉर्मूला इक्वल्स टू, ठीक है, ये डिस्काउंट का जितना पैसा हुआ उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इनटू का साइन लगाएंगे, फिर जितने परसेंट GST है, मान लो अभी 18% GST चल रही है, ठीक है, इन अप्लायंसेस पे बेसिकली 18% GST है, तो हम लोग यहाँ पर 18% करके यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर 18% GST जो अप्लाई हो जाएगा। अब बाकियों में लगाने के लिए हम लोग इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो देखो सब पे जो है 18% GST लग गए, ठीक है। अब देखो अब पे, अब कस्टमर ने एक्चुअली में कितना पे करा, तो वो निकालने के लिए सिंपल तरीका है, GST प्लस आफ्टर डिस्काउंट ऐड ऑन कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना कस्टमर ने पे करा। इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, एंड देन इन दोनों सेल्स को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कस्टमर ने एक्चुअली में कितना पे करा है, एंड देन हम इसे ड्रैग करके नीचे ला देंगे, फिर सबका पता चल जाएगा कि हाँ भाई पंकज ने इतना पे करा, विकास ने इतना पे करा, मोहन ने इतना, श्याम ने इतना, आंसू ने इतना, ठीक है। और यहाँ पर डबल क्लिक करके आप लोग इसे छोटा बड़ा कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ जो सेल है उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे इस वाली सेल को हो गया, ठीक है। देखो कुछ को पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, अब आपको ये पॉइंट भी दिख रहे हैं कि कितना एक्चुअली में है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर पैसे पॉइंट के बाद जो है ना वो अमाउंट है आपका पैसे वाला, ठीक है। तो पंकज का एक्चुअली हुआ 48,557 रुपये 12 पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो टोटल निकल जाएगा। और आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, इसमें ब्रैकेट में आप लोग पैसे वाला जो साइन है या RS लगा सकते हो, ठीक है। एंड देखो गाइस, मैंने आपको आपको यहाँ पर बता दी किस तरीके से आपको प्रिंट निकालना है, कैसे पिन सेटअप करना है। तो देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अगर मंथ जैसे एंड होता है, ठीक है, आपको निकालना है कि टोटल इस पूरे महीने में कस्टमर ने कितना पे करा हमें, हमने कितनी हमारी रिवेन्यू जनरेट हुई, तो इसके लिए आपको जैसे टोटल पे निकालना है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर टोटल लिख दो, ठीक है, टोटल जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर सम का लगाएंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट, सॉरी ये वाला ब्रैकेट, देन इन सबको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारी इस महीने की सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2,69,334 रुपये 3 पैसे की हमारी टोटल सेल यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। बाकी मैंने आपको यहाँ पर लगभग सब कुछ बता दिया बिलिंग सीट से रिलेटेड, अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट करो, और आपको कुछ भी जानना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आप चाहते हो कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट करो, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको इस चीज़ के वीडियो की ज़रूरत है। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।